मैंने कल भी कहा, व्यासपीठ से कहा कि मेरे पूर्व के किसी निवेदनों से बीच में या कभी भी किसी के दिल को ठेस लगी हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, ऐसा मैंने कल भी कहा था। कुछ न कुछ बातें होती रहती है। मैंने तो कल भी कहा कि किसी भी परिस्थिति को मैं प्रभु का कृपा प्रसाद समझता हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि मेरे बहुत बड़ी संख्या में फ्लावर्स दुखी है और सब थोड़े गदगद हैं, और मैं ये नहीं चाहता कि मेरे कारण समाज में विवाद हो, क्योंकि मैं संवादी आदमी हूँ, संवादी साधु। मेरे सभी श्रोता भी दुख महसूस करते हैं कि बापू आप कुछ नहीं कहते, हमें भी कहते हैं कि खुलासे मत करो, खुशबू फैलाओ, सफाई मत दो, सुगंध फैलाओ। कहीं कहीं तो ये भी कहते हैं कि बापू हम फ्लावर हैं, सही फूल हैं, लेकिन हमारे पास भी शूल भी है। नहीं बेटे, मेरे कारण सभी को थोड़ी पीड़ा है, मेरा पूरा विश्व परिवार को। दुख हो रहा है, और जिसको मेरी बात रास नहीं आई हो, जो भी कारण हो, मैं इसमें नहीं जाना चाहता, न मैं कोई व्यंग और कुछ भी, बिल्कुल साफ दिल से एक साधु निवेदन कर रहा हूं। आप मुझे अपना समझे कि न समझे, ये निर्णय आपको करना है, लेकिन मैं आप सभी को अपना समझता हूं, और ये मेरा वादा है, इतलगा जरूरी वचन है। दुनिया मेरी वसुधा, मेरा परिवार है। उदार चरितानाम वसुधैव कुटुंबकम्। ये तो हमारे ऋषि मनीषियों ने उच्चारी हुई मंत्र बौली है। तो मेरे लिए कोई पराया नहीं है, कोई न कोई बातों के कारण कुछ न कुछ चर्चाएं चलती रहती हैं, सब दुखी हैं किसी न किसी कारणवश। आपको लगेगा कि बापू आप बार बार क्यों ऐसा कहते हैं। बाप फिर मेरी दृष्टि में लाया गया, मैं ऐसे पत्र भी ज्यादा नहीं पढ़ता हूं, न वीडियो देखता हूं, न कुछ, मैं केवल मेरे भजन में रहता हूं। लेकिन जब मेरे जानकारी में डाला जाता है कि जरा इस पर जरा आप पढ़ लो, सुन लो, एक ये बात भी आई कि बापू ने भगवान कृष्ण के बारे में कुछ ऐसी बातें कह दी। मेरे भाई बहन, कृष्ण मेरा इष्ट देव है, पूर्ण पुरुषोत्तम, परात पर ब्रह्म, हम निम्बार्कीय परंपरा के हैं। पूछो हमारा निम्बार्क धाम, जो हमारी जगत गुरु की पीठ है, पूर्व जगत गुरु जो मेरी व्यास पीठ को बहुत स्नेहादर देते थे, आशीर्वाद देते थे, वर्तमान युवा जगत गुरु
हमारे निम्बार्क पीठाधीश्वर भी इतना ही स्नेहादर और शुभकामना देते रहते। पूछो, मैं कृष्ण परंपरा का साधु, हमारा इष्ट कृष्ण है, हमारी कुल देवी रुक्मिणी है, हमारा धाम मथुरा है, लेकिन मैं मथुरा इतने दूर कब जाऊं, कब समय मिले, हमारा धाम द्वारिका है। हमारा घाट विश्राम घाट है, हमारी धर्मशाला मथुरा है, हमारी परिक्रमा गिरिराज की है। बाप, हमारी गायत्री गोपाल गायत्री है, हमारा वेद सामवेद है, हमारा गोत्र अच्युत गोत्र है, हमारा आहार हरि नाम आहार है। तो भगवान श्री कृष्ण के बारे में मैंने भगवान कृष्ण की पीड़ा, उसका आखिरी सालों का दर्द व्यक्त किया। हाँ, प्रस्तुति मेरी रही। और मेरे भाई बहन, मुझे कोई शास्त्रार्थ नहीं करना, कुछ प्रमाण भी तो है, लेकिन मुझे कोई शास्त्र, मैं पंडित नहीं हूं, मैं विद्वान नहीं, अयोध्या में राम कथा थी, मानस गणिका पूरा जगत जानता है, वहां एक मंच पर इधर बैठे मेरे पूज्य साधु संत गण, इनमें से किसी संत ने वो उसी समय पूछा था या तो पत्र लिखकर पूछा था कि वेदों में गणिका की कहां बात है, आदि आदि कुछ ऐसी बातें पूछी गई। मेरे गुरु की कृपा से मुझे प्रमाण भी मिले। मैंने दूसरे दिन वेदवाणी से उसका विनम्र जवाब भी दिया। लेकिन मैं आपको मेरे दिल की बात कहता हूं, ये जवाब देकर के जब मैं व्यासपीठ से जब उस दिन की कथा पूछ, उसके बाद मेरे दिल को बहुत पीड़ा हुई कि मैंने ये क्यों कहा, मैं कोई शास्त्रार्थ करने थोड़ा निकला, मैं कोई वाद विवाद के लिए थोड़ा हूं, मेरे जवाब से किसी साधु का दिल दुख जाए तो मैं क्यों अपराधी ठहरूं। उस समय मुझे मेरे फ्लावर्स, मेरे बाप, मुझे बहुत पीड़ा हुई थी। इसलिए इस बार मैं कोई खुलासे नहीं, कोई शास्त्र प्रमाण में नहीं जाऊंगा। मैंने मेरे इष्ट देव, मेरे प्राणेश्वर भगवान श्री कृष्ण की वेदना व्यक्त की। लेकिन हाँ, कई ग्रंथों से, कई विचारकों से जो सुना, एक हाँ प्रस्तुति मेरी थी, कोई विधान, कोई बातें आपको अच्छी न लगी हो किसी कारणवश, तो इसका जिम्मेवार मैं हूं। और इस जिम्मेवारी कबूल करते हुए मेरा कोई इरादा नहीं बाप, आपको अच्छा नहीं लगा गए ये वाक्य, लेकिन मुझे बोलने दो। इस दुनिया में किसी का दिल दुभे इससे पहले मैं समाधि लेना पसंद करूंगा। मैं त्रिभुवन भट्ट की छाव में बोल रहा हूं। लेकिन यदि मेरे इष्ट देव भगवान श्री कृष्ण, जे मेरा सर्वेश्वर प्रभु है,
उसके बारे में, उसके कष्ट। आपने कभी मेरी कथाएं सुनी है? प्लीज मैं प्रार्थना करता हूं सुनिए। मेरे सभी श्रोता जानते हैं कि कृष्ण कथा, कृष्ण चरित्र, कृष्ण स्मरण करने में मेरी आंख में जितने आंसू आए हैं इतने और आंसू नहीं आए। इसलिए फिर भी बाप आप सब मेरे हैं, भगवान कृष्ण के बारे में मेरे कोई निवेदन से, मेरे किसी विधान से आपके दिल को ठेस पहुंची हो तो मैं फिर एक बार क्षमा प्रार्थी। आओ संवाद करें। मुझे लगता है कि एक कुछ जो बातें हैं वही कारण हैं कुछ बातों का, तो ये पूरा हो जाना चाहिए। लेकिन यदि यही कारण नहीं और कोई और कारण है तो मैं नहीं जानता, तब तो फिर हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचार तस्ब सुजान। आदमी यही तो सोचेगा कि हरि इच्छा भावी बलवाना। तो पुनः एक बार पूज्य चरणों से लेकर जन जन तक, देश और दुनिया के मेरे सभी वसुधैव कुटुंब, ये विश्व एक नीड़ है, इन सभी को मेरे निवेदनों से कोई भी दुख। इसीलिए मैं कह रहा हूं, मुझे कुछ मेरी आंख में जो आंसू है याद रखना, ये मेरी आंख के आंसू मेरी आत्मा के आंसू है। आंख तो कभी भी रो लेती है, कायरता से भी रो लेती है, दुखों से भी रो लेती है, कैसे भी रो लेती है। आंख में एक 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 रज गिर जाए तो भी आंख से आंसू गिर जाते हैं। अभी नहीं, मैं आंख को किसी केमिकल से भी रुलाई जा सकती है। मेरे भाई बहन, मेरी आंख के आंसू एक केवल चक्षु नामक इंद्रिय के आंसू नहीं है, आत्मा के आंसू। आप कहेंगे आत्मा को आंसू, आत्मा और परमात्मा को कोई पीड़ा नहीं होती, कोई सुख दुख नहीं होता, हम तो जीवात्मा है। और मेरी पीड़ा कारण नहीं, आप सबको किसी कारणवश कष्ट हो रहा है, तो मैं फिर एक बार क्षमा प्रार्थी हूं।